आज अरुणाचल प्रदेश यांगस्टे और तवांग अंचल में दुईदिनिया सामरिक अभ्यास आरंभ कर भारतीय वायुसेना गत 9 तारीख में तवांग अंचल में भारत और चीन सेना मुहांमुही होगा सामरिक अभ्यास कर वायुसेना केवल जे एति कि नुहे यार स्पेस नियम उल्लंघन कर पीएलए पक्ष ड्रोन छड़ा जाइथिबा भी अभियोग कर सेना यासह रोकिबा लागि सीमारे जेट फाइटर्स मुतयन अच्छा भारतीय सेना पक्ष अरुणाचल प्रदेश सीमारे सामरिक अभ्यास दुई दिन धरी चल अरुणाचल प्रदेश तवांग अंचल में चीन रो अनुप्रवेश रोकवाक सेनार पदक्षेप को धन्यवाद जनाई तवांगवासी से सीमारे मुतयन भारतीय सेना सबुबले तवांग बासिंदा सुरक्षा जगै आसुच्छे निकट में भारत और चीन सेना मुहांमुही होगापर तवांगवासी भारतीय सेनार पदक्षेप को स्वागत करिछन्ति अरुणाचल प्रदेश तवांगवासी सदा सर्वदा भारतीय सेना सह रहिछन्ति रहिबे बोली कहिछन्ति उसमें तो हमारे यहाँ का पब्लिक को तो इतना नहीं है शांति से अपना काम सुई से अपना उठ के अपना अपना काम में चला जाता है जो न्यूज़ में इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं हम लोग यहाँ तो इतना असर नहीं पड़ रहा है हम लोग तो सुरक्षित महसूस करते हैं इंडिया का फौजी लोग अच्छे से बॉर्डर में बैठते हैं इसलिए ड्यूटी अच्छे से देते थे हम लोग इतना डर नहीं हम लोग को महसूस नहीं होता है डर का महसूस नहीं होता है तो आराम से आप लोग हम लोग आराम से बैठा है यहाँ का आदमी इतना वो नहीं है डर से ऐसे बाइक बाइक से नहीं बैठा आराम से बैठ मैं 11वीं कक्षा में हूँ और ये कॉमन हायर सेकेंडरी स्कूल तवांग में पढ़ती हूँ इंडियन आर्मी हाँ तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ स्पेशली अरुणाचल प्रदेश तवांग में तो हम लोग कितना लाइक बहुत प्राउड फील होते इंडिया लोग लाइक इंडियन आर्मी हम लोग के लिए उधर में बॉर्डर्स में खड़ा हुआ है ना हम लोग का सेवा करने के लिए तो या इतना जितना ही बोलना है वही कि वही हम लोग बहुत सेफ महसूस करते हैं हमें मीन्स तवांग में बैठ के और हमारा ये क्या इंडियन आर्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है यहाँ में और यहाँ में कुछ मतलब टेंशन नहीं है हम लोग सेफली कहीं भी जा सकते स्कूल और कुछ ऐसे मतलब कुछ अभी तक नहीं हुआ है